की कहानी है ऐसे वीर राजपूत योद्धाओं की जिन्होंने वीरता, त्याग, स्वाभिमान और देशभक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो इतिहास में बहुत ही कम देखने मिलता है। और जानेंगे आज कैसा दिखता है वह उठाड़ा का किला जहां पर आज से 400 साल पहले एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। और साथ ही देखेंगे बुरे हाल में खड़ी शौर्य और बलिदान का प्रतीक कही जाने वाली चुंडावत और शक्तावत की वह समाधि। हेलो नमस्ते, राम राम, मेरा नाम है जयान, बने रहिए मेरे साथ। वीर भूमि राजस्थान के कण कण में शौर्य बिखरा पड़ा है। इसे त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सर कटे और धड़ लड़े जैसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ पर हजारों ऐसे योद्धाओं की गाथाएं मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने अतुल्य साहस, शौर्य व बलिदान का एक अद्भुत परिचय दिया। हमारी आज की कहानी है राजस्थान के मेवाड़ के ऐसे ही वीर योद्धाओं की जिनके लिए मौत सिर्फ एक खेल मात्र थी। यह युद्ध हुआ था आज से 400 साल पहले ईस्वी सन 1600 में। उस समय मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह विराजमान थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात महाराणा अमर सिंह ने भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए मुगलों से संघर्ष जारी रखा हुआ था। चुंडावत और शक्तावत उनकी सेना के दो महत्वपूर्ण दस्ते थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चुंडा जी के वंशजों को चुंडावत कहा जाता है और शक्ति सिंह के वंशजों को शक्तावत कहा जाता है। उस समय युद्ध भूमि में अद्वितीय पराक्रम और वीरता के कारण चुंडावत खाप के वीरों को हरावल दस्ते में रहने का सम्मान प्राप्त था। हरावल दस्ता यानी कि सेना का वह दल जो फौज में सबसे आगे रहता है। इस दल को सबसे पहले अपने दुश्मनों के खून से अपनी तलवारों को रंगने का मौका मिलता है या फिर सबसे पहले अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि पर नछावर करने का गौरव प्राप्त होता है। यहाँ पर शक्तावत खाप के वीर भी यह मानते थे कि वह भी चुंडावतों से वीरता, बलिदान व पराक्रम में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इसलिए शक्तावत योद्धाओं ने महाराणा अमर सिंह से आग्रह किया कि उन्हें भी हरावल दस्ते में रहने की इजाजत दी जाए। महाराणा अमर सिंह जानते थे कि दोनों ही खाप के योद्धा एक दूसरे से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। वह बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। समाधान हेतु बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उस समय अकबर ने मेवाड़ के बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों पर मुगल थाने बना रखे थे, जैसा कि बागोर, मेनार और ऐसे ही बहुत सारे गांव। ऐसा ही एक मुगल थाना उटाले के किले पर स्थित, वहां का थानेदार कयूम खां था। महाराणा अमर सिंह की प्रतियोगिता का सिर्फ एक ही नियम था कि दोनों दलों में से जो भी सूर्यास्त से पहले इस किले में प्रवेश करेगा उसे ही हरावल दस्ते में आगे रहने का गौरव प्राप्त होगा। दोनों ही खाप के वीर योद्धा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस क्रांति को इतिहास में उटाड़ा क्रांति के नाम से जाना जाता है। उटाड़ा क्रांति के ठीक कुछ समय बाद ही उटाड़ा से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर मेनार नाम के गांव में मेनारिया ब्राह्मणों द्वारा ऐसी ही क्रांति की गई थी जिसमें मुगल सेना के थाने को ध्वस्त किया गया था। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां विजिट करके बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ही ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे की स्टोरी मैं एनिमेशन के साथ बताऊंगा आपको जितना मुझे आता है, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं अभी से आपसे माफी मांग। निश्चित दिन और समय दोनों ही सेना उटाड़ा के लिए रवाना हो गई। जहां चुंडावत दस्ते का नेतृत्व जेत सिंह चुंडावत कर रहे थे, वहीं शक्तावत दस्ते का नेतृत्व बल्लू सिंह शक्तावत के हाथों में था। शक्तावत वीरों ने हाथियों के सहारे दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर चुंडावत खाप के वीरों ने दीवारों पर चढ़कर अंदर जाने का निर्णय किया। किले पर चढ़ने वाले वीरों को परकोटे पर मौजूद सैनिकों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर शक्तावत दस्ते को दरवाजे को तोड़ने में परेशानी आ रही थी, क्योंकि दरवाजे पर लगी नुकीली भाले नुमा कीलों से हाथी घबरा कर पीछे हट जाता और महावत के कितने ही प्रयत्न करने पर भी हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था। बालू सिंह शक्तावत समझ गए कि दरवाजे पर लगी नुकीली कीलों के कारण हाथी टक्कर मारने में हिचकिचा रहा है। तब बालू सिंह शक्तावत अपने हाथी से नीचे उतरे और दरवाजे के सामने अपना सीना अड़ा कर खड़े हो गए और उन्होंने महावत को आदेश दिया
कि हाथी से उनके सीने पर टक्कर मारे। महावत यह आदेश सुनकर सहम गया। बल्लू सिंह ने फिर क्रोध भरी आंखों से महावत को गरजते हुए आदेश दिया। तब महावत ने आदेश का पालन किया और हाथी के मस्तक से बल्लू सिंह के सीने पर जोरदार टक्कर मारी। लोहे की शूले बल्लू सिंह को छेदते हुए उनके सीने में उतर गई। हाथी की टक्कर से बल्लू सिंह के शरीर से खून की पिचकारियां निकलने लगी और हाथी के मस्तक का तिलक करने लगी। आखिरकार दरवाजा अपने स्थान से उखड़ने लगा। जब चुंडावत दस्ते के वीरों ने यह देखा कि उनके हाथों से हरावल दस्ते का अधिकार निकला जाता है, तब चुंडावतों के सरदार जेत सिंह चुंडावत ने अपने एक साथी को आदेश दिया कि शर्त को जीतने के लिए मेरा मस्तक काट के किले के अंदर फेंक दो। यह सुनकर उसके साथी सैनिक के रोंगटे खड़े हो गए। वह यह करने को तैयार नहीं हुआ। तब जेत सिंह चुंडावत ने वीरता और बलिदान का एक अद्भुत परिचय दिया और हरावल दस्ते में चुंडावतों का गौरव कायम रखने के लिए अपना सर काट कर किले के अंदर फेंक दिया। शक्तावत जब फाटक तोड़कर अंदर घुसे तब वहां पहले से ही जेत सिंह चुंडावत का सर मौजूद था। इस तरह चुंडावतों ने अपना हरावल दस्ते का अधिकार कायम रखा। अपने सरदारों के अद्भुत और अतुल्य बलिदान को देखकर शक्तावत और चुंडावत सेना जोश से भर गई। दोनों ही सेना के वीर एक साथ किले के अंदर मौजूद मुगलिया सेना पर टूट पड़े और रणचंडी की पिपासा थानेदार कयूम खां और मुगल सेना के खून से बुझाई। हरावल दस्ते में रहने की शर्त चुंडावत जीत गए, पर वीरता और बलिदान में कौन जीता इसका निर्णय करना नामुमकिन है। बल्लू सिंह शक्तावत और जेत सिंह चुंडावत की याद में यहाँ पर एक छतरी बनाई गई। यह समाधि वल्लभ नगर के बीचों बीच स्थित है। इस समाधि के खंभे पर उनके द्वारा किया गया पराक्रम और बलिदान अंकित किया गया है। इसी उटाड़ा गांव में माँ शीतला का भव्य व चमत्कारी मंदिर है। शीतला माता के दर्शन और उनकी चमत्कारी कहानी सुनने के लिए ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस छतरी की हालत बहुत बुरी है। मेरे कहने का अर्थ यह था कि जितना सम्मान इन योद्धाओं की समाधि को मिलना चाहिए शायद उतना मिल नहीं रहा। छतरी के आसपास बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। आसपास कूड़ा करकट फैला हुआ है। मैं जहाँ वीडियो बनाने के लिए खड़ा था वहीं जानवरों की गंदगी पड़ी हुई थी। समय समय पर यहाँ पर स्थानीय निवासियों द्वारा साफ सफाई की जाती है और वह इसे सुरक्षित रखने के लिए भरपूर प्रयास भी करते हैं, पर सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी अमूल्य धरोहरों को सहेजने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे महान योद्धाओं के बारे में पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए। जिस किले के लिए यह युद्ध हुआ था अब वह समय की मार और अन्य कारणों से नष्ट हो गया, पर यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करने पर जो मुझे पता चला वह सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। जहाँ पर हमारे वीरों ने अपना खून बहाया था वहीं पर हमारे देश की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय स्थापित हो गया है। मैंने स्कूल में मौजूद शिक्षकों से आज्ञा लेकर वहाँ का यह वीडियो बनाया है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि शायद इसी स्थान पर वह दरवाज़ा रहा होगा जहाँ पर बालू सिंह शक्तावत ने एक अद्भुत अतुलनीय शौर्य का उदाहरण देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और शायद यह वही जगह होगी जहाँ पर जेत सिंह चुंडावत का स्वाभिमान से भरा हुआ और गर्व से उठा हुआ मस्तक पड़ा होगा। नमन है ऐसे वीरों को। जय मेवाड़, जय राजस्थान, वंदे मातरम। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, राम राम, मैं हूं जयान और आज मैं आया हूं उटाला, जिसे आज की वल्लभ नगर कहा जाता है। इस गांव का नाम पहले उटाला था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहां पर आगमन के बाद इसे वल्लभ नगर कर दिया गया। यहां पर एक क्रांति हुई थी जिसे कि हम उटाला क्रांति के नाम से जानते हैं। ये वही क्रांति है जब शक्तावत और चुंडावतों ने हरावल दस्ते के लिए युद्ध लड़ा था। तो आज हम इसी पर चर्चा कर